जो है मैक्सिमा मिनातो एक स्टेशन है, वहाँ पर जो है फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस है, वहाँ पर मुझे आना था, तो मैं वहाँ पर आई हूँ। ये देखिए इसकी सराउंडिंग, यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स की मेन ऑफिस है। फॉरेनर्स जैसे कि हम लोगों को फॉरेनर्स को लेकर कोई भी मैटर हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमको यहाँ बुलाया जाता है। तो आज जो मैं जिस सिलसिले में आई थी वो एक नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसके लिए मुझे यहाँ पर मेरी इंटरव्यू कॉल थी आज। तो मैं हुसैन जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, और इस नेचुरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है इस पर मैं आपको बात तफसील से बताऊँगी। बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है और मुझे 2 साल लग गए इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में और इंटरव्यू की डेट आने में। ये हमें मास्क में कैद कर दिया गया है, यहाँ पर मास्क के बिना आप नहीं निकल सकते। और आज हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये बस मार्च का आखिरी महीना है, हवा भी है, ठंड भी है थोड़ी, और लेकिन धूप भी अच्छी निकली हुई है तो इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती, लेकिन चूँकि हवा तेज है तो, और मैं हाँप रही हूँ बोल के। आज जो है मैं सेल्फी स्टिक लाना भूल गई हूँ अपनी, ये यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये हार्बर है पूरा इस तरफ। चीबा मिनातो नाम ही इसका इसलिए रखा गया है कि मिनातो का मतलब जो है वो पोर्ट का होता है। यहाँ पर पूरे जो पोर्ट है इस तरफ शिप भी आपको नजर आ रही है, शिप छे शिप पास। जाल लगा हुआ है, ये शिप भी यहाँ पर आपको जो है हार्बर पर नजर आ रहा होगा, एक शिप भी खड़ा हुआ है अभी। बहुत खूबसूरत सा इलाका है ये भी। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी कोई डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह नजर नहीं आ रहा, और पूरा कमर्शियल टाइप एरिया है। ये सामने मारू है, ये डिपार्टमेंट स्टोर है। मारुहान, मारुहान डिपार्टमेंटल स्टोर ना थे, मारुहान डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, मारुहान पचिंग गो है, इस गेम सेंटर मारुहान। ये कन्वीनियंट स्टोर आ गया है, अभी एक पीछे भी कन्वीनियंट स्टोर था, वहाँ से मैंने जो है एक स्वीट ले ली थी, स्वीट डेजर्ट मैंने लिया था। जिस पर मैंने फौरन से नियाज भी पढ़ ली, क्योंकि हमारे यहाँ सलवात पढ़ने का कहते हैं, कोई भी अच्छा काम जब मुकम्मल हो जाए तो हम कहते हैं कि आपको सलवात पढ़ने चाहिए, तो फौरन मैंने उस पर नियाज भी पढ़ ली, दुरूद शरीफ जिसे कहते हैं। अच्छा चले मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं आपको जो है सी भी दिखाई देती हूँ, सी यहाँ का सी कैसा है, पोर्ट मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी चीबा पोर्ट यहाँ का, तो आप भी साथ चलिए, आप भी देखते हैं। फॉरेन अफेयर्स के इस इंटरव्यू तक आने के लिए जो है मुझे 2 साल का अरसा लगा है, इस इंटरव्यू की डेट आने में। पहला साल जो होता है उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टिंग वगैरह में पूरा 1 साल लगा था, जो पाकिस्तान से मुझे चाहिए थे, और उसके बाद जो है सबमिट करवाने के बाद भी जो है उन्होंने मुझे बहुत वेट करवाया, कि उन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो चेकिंग होती है बाकायदा। बहुत लंबा प्रोसेस है, और अभी भी मतलब ये कन्फर्म नहीं होता कि वेदर वी आर एलिजिबल फॉर इट और नॉट, लेकिन बस आप दुआ करिएगा आप सब भी कि मेरा ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। ये देखिए ये पोर्ट आ गया सी, इस पर लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ चीबा, पोर्ट ऑफ चीबा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर नीला नीला समंदर देखें आप, डॉक भी बनाया हुआ है इन्होंने, बैठ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और ये देखिए सी पूल भी है यहाँ पर कितने सारे, ये देखिए कितने प्यारे।
सारी शिपिंग कंपनीज है करीब में। अच्छा मैं आज तक, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज तक क्रूज़ में मैंने ट्रैवल नहीं किया। मेरा बहुत शौक है कि एक दिन जो है किसी दिन एक दिन जो है वो हम लोग भी क्रूज़ में ट्रैवल करें, लेकिन मुझे पानी से चूंकि बहुत डर लगता है मुझे, तो मैंने आज तक ट्रैवल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर करेंगे। ये पूरा देखिए पोर्ट है, ये चीबा पोर्ट। आज मैं जो है ना अपनी सेल्फी स्टिक में भूल गई हूँ, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है मोबाइल पकड़ने में भी। ये इस पर लिखा हुआ है अमेंडन सेल करके लिखा हुआ है, कुछ शायद कोई कंपनी वगैरह होगी। ये देखिए अमेंडन सेल करके लिखा हुआ है, और ये रेस्टोरेंट है और मेरे ख्याल में होटल भी है ये, क्योंकि इसके अंदर का व्यू जो है ना मुझे बहुत खूबसूरत सा नजर आ रहा है। सीगल को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, देखिए ये उड़ता हुआ आया, ये कितने प्यारे हैं सफेद सफेद से, तो मुझे देख के डर के भाग रहे हैं। ये देखे ये देखे, ये बिल्कुल फिल्मी सीन था। और मैं जो है अभी इतनी देर से उसके करीब जाकर जो है मोनूमेंट के करीब जाकर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना फ़ोटो ले लूँ उसके साथ, लेकिन अब पता चला कि दूर जाकर जो है वो फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आएगा, तो मैं अपना पोज लेती हूँ अपने और इनके साथ। तो जी ये था मेरा चीबा पोर्ट तक का सफ़र। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो यहीं पर है। पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए, प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन के लिए हम फॉरेनर्स को यहीं पर आना पड़ता है, और मुझे यहाँ तक आने में जो है वो 2 साल का अरसा लग गया। 2 साल, 1 साल में जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन होती है, फिर उसको सबमिट करवाया जाता है, और उसके बाद इंटरव्यू की डेट की जो है इंटरव्यू डेट के लिए जो है वो वेट किया जाता है। तो 2 साल लग गए, और अभी इसके बाद भी जो है वो काफ़ी टाइम मुझे लगना है, क्योंकि अब इंटरव्यू के बाद भी एक प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ से जो है वो हायर उस पर जाएंगे चेकिंग के लिए, सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन होगी, और फिर उसके बाद क्या होता है फिर मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मास्क तो मैंने थोड़ी देर के हटा दिया है, क्योंकि मास्क के साथ बड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है वीडियोज़ बनाने में। अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वापस घर की तरफ रवाना होना है हमें, चीबा मिनातो के स्टेशन पर जाना है। देखिए आप इसकी सराउंडिंग्स। अच्छा यहाँ पर जब मैं आ रही थी ना, मैंने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग देखी थी, और मैंने सोचा था कि वापसी में जो है उसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी मैं देख रही हूँ कि वो किस तरफ चली गई, ऊपर से जो है ट्रेन जो है वो क्रॉस हो रही है। स्टेशन और ट्रेन ट्रैक जो है वो ऊपर है इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स। इस बिल्डिंग की मैं बात कर रही थी, बहुत खूबसूरत सा चर्च है, बे साइड पार्क करके नाम है इसका। देखिए बहुत खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ है। तो सर हमें अंदर जाने की परमिशन मिलेगी इसके? नहीं अभी तो बंद है। अच्छा ये अभी कह रहे हैं बंद है, तो अभी हमेशा इसके अंदर जाने की परमिशन ना मिली। मैं आपको उसका दूसरे गेट की तरफ से भी थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। तो देखने में बहुत खूबसूरत सा लग रहा है ये देखें। मैं जब सामने रोड क्रॉस करूंगी ना, मैं उस तब वहां से उसका पूरा लूंगी, तो पूरा दिखाई देगा ये देखें। स्क्राइस्क्रैपर जो है होटल है यहाँ पर, इसका नाम है टोक्यो इन करके। इस तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चर्च का पूरा व्यू ही देखे, ये पूरा चर्च है। स्टेशन पर बैठने के लिए भी देखिए इन्होंने बेंचेस लगा दी हैं, जगह जगह पूरे राउंड्स पर बेंचेस लगी हुई हैं। बहुत ही खुला और वास्ट है ये स्टेशन भी, और ये दरख्त जो है शायद नारियल के लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोकोनट कहाँ से आ गया। ये पूरी होटल है टोक्यो इन करके,
हमारे स्टेशन के सामने से ही जो है बिल्कुल टैक्सी स्टैंड होता है, वहीं से हमें टैक्सी मिल जाती है। और टैक्सी का सिस्टम यहाँ पर इस तरीके से है, मैं आपको बता दूँ कि जो लाइन लगी हुई होती है, जो टैक्सी पहले होगी वही पहले जो है वो मुसाफिर को जो है वो पिक करेगी और बिठाएगी, लाइन डिस्टर्ब नहीं कर सकते यहाँ पर। ये अब हम वापस आ गए हमारे चीबा स्टेशन पर, और ये सामने बिल्कुल टिकट काउंटर्स हैं, यहाँ से मैं टिकट लूँगी दोबारा अपनी। ये स्टैंड है, वो एज यूजल टिकट परचेज कर रहे हैं, जन टिकट आप मेरी और अपनी दो ले लें। अच्छा, ये आईसी कार्ड चार्ज करते काउंटर है, हमें दूसरे काउंटर पर शिफ्ट होना होगा। ये है दूसरा काउंटर, ये शिंकांसन का है, यहाँ पर भी नहीं। ये फाइनल इनको काउंटर मिल गया है, इस पर लिखा हुआ है, देखिए हर काउंटर पर जो है ना वो लिखा हुआ होता है, इस पर लिखा हुआ है सीका पाजमो और टिकट चार्ज का काउंटर। ये टिकट परचेज कर रहे हैं, तो साइड में होंगे क्या दिखाना है मुझे इनको। ये टिकट एक आ गई, और ये इंग्लिश में भी बोल रही है। और ये दूसरी टिकट भी आ गई, दो टिकट्स हमने परचेज कर ली। दिखाएं आप मुझे ज़रा प्लीज़। ये इस तरीके से जो है 160 yen की इन्होंने लिए, 190 है। ये जो है ना ऊपर टिकट काउंटर के ऊपर पूरा मैप लगा हुआ होता है, और उसके उस पर जो है रूट और उनकी फेयर्स जो है वो लिखे हुए होते हैं कि किस रूट तक कितनी टिकट होती है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखें। और अभी आप कहाँ पर है ये भी लिखा हुआ होता है, ये देखिए जो रेड एरो जो आपको हाईलाइट करता है वो दिखाई दे रहा है, इस पर ये लिखा हुआ है चीमा मिनादो, यानी कि हम अभी इस स्टेशन पर हैं। और इस सारे स्टेशन वाइज उनके चार्जेस लिखे हुए होते हैं। और ये जो है टिकट नहीं सॉरी ये ट्रेन के टाइम टेबल्स लिखे हुए होते हैं, होते हैं ये ट्रेन के टाइम टेबल्स हैं, ये ट्रेन के टाइम्स और उनके उनके किस नंबर पर कौन सी आने वाली है ये सब लिखा हुआ है डिटेल में। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये टिकट डाल देते हैं और दूसरी तरफ से ये वापस आ जाती है। दोस्ता ये हुसैन मुझे धक्का दे रहे थे पीछे से कि जल्दी निकलो ट्रेन आने वाली है लेकिन मैंने पूछा ही नहीं किस नंबर पर आनी है। ये रैपिड ट्रेन थी जिसमें से हम लोग अभी उतरे और दूसरी ट्रेन लोकल ट्रेन में आकर हम लोग बैठे हैं। वो जब भी ट्रेन जो जा रही है सामने से वो फास्ट थी, तो जिस स्टेशन पर हमें उतरना है वहाँ पर वो नहीं रुकती, तो इस वहाँ उस ट्रेन से हम लोग चेंज हुए और लोकल में ही बैठे हैं। अच्छा, ये स्टेशन के अंदर जो है वो फेयर एडजस्टमेंट मशीन है, मैंने हम लोगों ने जो टिकट परचेज की थी 190 yen की जैपनीज येन की, तो वो जो है इनसफिशिएंट थी, तो अब जिस स्टेशन पर हम लोग उतरे वहाँ पर फेयर एडजस्टमेंट मशीन लगा हुआ था कि आप अपनी टिकट को एडजस्ट कर लें, तो इस तरह से इनका अमाउंट बैलेंस अमाउंट जो आ रहा था वो 30 yen आ रहा था कि आप 30 yen इसमें जो है वो पे कर दें, तो इन्होंने हमें ये टिकट जो है वो एडजस्ट करके इस तरह वापस कर दिया। ये देखें 30 yen की हमने और पेमेंट की और टिकट को एडजस्ट करवा लिया है इस तरह स्टेशन पे। इस तरह यहाँ पर जो है फेयर एडजस्टमेंट मशीन होती है, स्टेशन के अंदर ही होती है वो। हम हमारे स्टेशन पर जो है वो वापस आ चुके हैं, हम श्री नाराशिनो स्टेशन, और ये दोबारा पीछे जो है वो मिस्टर मैक्स है हमारे। मुझे यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट में कुछ पेमेंट्स करनी है, कैश ATM कॉर्नर यहाँ पर बने हुए हैं, तो यहीं पर मैं पेमेंट कर दूँगी। चले जी, अब मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। मैं आपको ज़रूर डिटेल्स ही बताऊंगी नेशनलाइजेशन प्रोसेस का, कि वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में कहाँ कैसे पहुँचना हुआ और कितना टाइम लगा इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में और सबमिशन करने में।
तो इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। हुसैन भी बाय कर रहे हैं आप लोगों को, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।